हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं अपना कोई भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ कल से, क्योंकि मेरा अभी ना मूड सा थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपसेट हूँ और मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं किसी से बात करूँ या मैं कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ, बात करूँ, एडिट करूँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा मेरा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो, मम्मी की वीडियो तो एडिट मुझे करनी ही होती है, वो तो मैं कर दूँ। काम पे जाने लगी थी, गई हूँ मैं काम पे जाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी की वीडियो एडिट कर ही जाती हूँ। मम्मी कहती मेरी वीडियो तो डाल दिया कर, नहीं तूने डालनी तो बता दे, मैं कोई जॉब ढूंढ लूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, आपकी तो मैं एडिट कर ही देती हूँ। और अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तुम रोज़ अपने मायके आ जाती हो। रोज़ मैं नहीं आती हूँ, मैं हफ्ते बाद आती हूँ, लेकिन शहर में मैं रोज़ आती हूँ क्योंकि मैं इसी शहर में जॉब कर रही हूँ। और आज मुझे जीरे जाना था लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्योंकि गगन मेरे को कल लेने नहीं आए हैं। तो अगर वो मुझे लेने आते, मैं तो जीरे जाना था कल, पर वो मुझे लेने नहीं आए। फिर मैंने अपने कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि फिर आप मौके चले जाओ जिस शॉप पर आप पहले जाते हो। तो फिर इसलिए मैं फिर उसी शॉप पर आज जा रही हूँ। अभी तो नहीं गई हूँ, अभी रेडी होना है मुझे, हो रही हूँ बस, नहा के आई हूँ और रेडी होने लगी हूँ। मैं कल गई थी मार्केट, मेरे को जाना था मुझे कपड़े लेने थे, लेकिन कल मार्केट सारी बंद थी, एक दो दुकानें खुली थी और इतने कॉस्टली कपड़े दे रहे थे कल। हालांकि संडे को सस्ते मिलते हैं, भी मुझे नहीं सस्ते मिले। और मैंने दो टॉप लिए थे क्योंकि मुझे काम पे पहन के जाने होते हैं। मेरे क्रॉप टॉप है जो उसमें मेरा टमी ऐसे, मतलब जो लोअर टमी होता है वो मेरा दिखता है, तो मुझे बुरा लगता है पैंट में से, जैसे अलग सा ही दिखता है। तो अभी मम्मी ने कढ़ी बना ली है, मम्मी बोल रही है कि मैं चावल बनाने लगी हूँ, और वॉइस ओवर फिर मेरे को ही करनी पड़ती है क्योंकि मेरी मम्मी धीरे धीरे बोलते हैं तो फिर लोगों को पता नहीं इंटरेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्या है। पर मम्मी इतने अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं, अगर आप प्रॉपर देखो ना, अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं आप लोग क्यों व्लॉग नहीं देख रहे हो आजकल, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट में बताओगे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। तो कढ़ी बनाने के बाद मम्मी ने बस थोड़ा रिफाइंड डाल के जीरा और राइस डाल, जीरा और प्याज डाल के राइस का तड़का लगाया है। तो कढ़ी चावल दीपक को बहुत पसंद होते थे, दीपक बहुत खुश होकर खाते थे मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल। मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरी मम्मी के खाने की दूर दूर तक चर्चा होती है। लोग दूर दूर से आया करते थे, हरिद्वार रुड़की से हमारे घर में रिश्तेदार, वो भी कहते थे कि पंजाब जाते हैं तो उनका खाना बहुत अच्छा होता है। आज मैं खुद को ये चीज़ समझाया जा रही हूँ कि कंचन तो झूठ बोलना सीख ले, कंचन तो झूठ बोलना सीख ले, कंचन तो लोगों के साथ जैसा कोई तेरे साथ करता तो वैसा ही करना सीख ले। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता मेरे से, एक तो मेरे से ना नहीं होती है। मान लो अगर कोई मेरे से कोई चीज़ मांगता है और मैं वो चीज़ दे सकती हूँ, लाइक पैसे हो या कोई कपड़े ज्वेलरी कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि हाँ मैं उसको दे सकती हूँ, तो मेरे से ना नहीं होती है। चाहे मेरा खुद का नुकसान हो रहा हो लेकिन फिर भी मेरे से ना नहीं होती है। अगला बंदा कोई मेरे साथ 100 बार बुरा कर जाए लेकिन फिर भी मैं 100 बार बुरा किया भूल जाती हूँ, एक बार कोई अच्छा कर जाए मैं वो याद रख लेती हूँ। क्योंकि मैं पता नहीं कैसी हो रखी हूँ आजकल, मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ, कोई मेरे साथ क्या किया पीछे पास्ट में किसने क्या किया, बस मैं पता नहीं, मैं रिश्ते सुधारने की कोशिश करती हूँ, सब चीज़ें करने लगती हूँ, पर मेरी किस्मत में ही पता नहीं क्या लिख रखा है। मेरी किस्मत ही ऐसी हो रखी है कि अच्छा करना चाहती हूँ और बुरा हो जाता है मेरे साथ। तो अभी मुझे बोल रहे थे मोगे आ जाती है, रोज़ आ जाती है, मैं मोगे अपने बच्चे से मिलने आती हूँ, इतना भी मैं दूर थोड़ी करना है, अपना बच्चा मेरे से जो मैं दूर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल उसको पता है कि हाँ मेरी मम्मा मेरे लिए करती है इतना काम, अभी तो ये चीज़ वो सोचता है कि मेरी मम्मा ने जो भी किया मेरे लिए किया, जो किया मेरे लिए किया, और मेरी मम्मा मुझसे प्यार करती है। कल को मैं उससे मिलने भी नहीं आऊँगी तो उसको तो ये लगेगा मेरी माँ मुझे छोड़ के ऐसे चली गई। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के दिल में ऐसी कोई गलत बात जाए। और व्लॉग मम्मी का हो जाता है, जो बात मैं अपनी कह जाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है मेरे से नहीं वॉइस ओवर होती तो अपने आप करते, फिर मेरे से तो जैसी तैसी होती है, मैं ऐसी कर देती हूँ वॉइस ओवर। मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी को बोलो कि भी वो अपनी जो अपने दिल की बात होती है वो बोला करे, मैं मेरे दिल में जो होता है मैं तो वही बोल देती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल देती हूँ। पता नहीं कुछ लोग कह देते हैं कि तेरी वजह से तेरी मम्मा का चैनल डाउन चला गया, मम्मी कहती है कि नहीं जब तू वॉइस ओवर करती है मेरी वीडियो तब चलती है। तो अब आप लोग ही बता दो कि मैं वॉइस ओवर करूं या मम्मी को बोलूं या क्या करूं। और सपना की वीडियो के लिए कुछ लोग कह रहे वीडियो मत डालो, वीडियो मत डालो,
तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि क्यों नहीं वीडियो डाले यार, उसको इतना शौक है। मैं चाहती थी कि उसका खुद का चैनल बन जाए, लेकिन अभी वो आई नहीं है मौके। जब वो मेरे साथ आई, मेरे सामने आएगी, तो मैं उसका खुद का चैनल क्रिएट कर दूँगी। चैनल क्रिएट करना कुछ बहुत बड़ी कोई हेक्टिक वाला काम नहीं है, बहुत ईजी है। अगर वो आप लोग ये सोचते हो कि सपना की वीडियो से पैसे कमा रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने शौक से वीडियो बना के भेजती थी ना, ना कि पैसों के लिए। और हम भी उसकी वीडियो उसके शौक को पूरा करने के लिए डाल देते थे, क्योंकि ताकि कल को वो अपना चैनल बनाए तो आप लोग उसको जानते हो। उसको एक प्लेटफॉर्म हमने ऑलरेडी दिया, क्योंकि नया चैनल बना के जब कोई काम करता है ना, तो उसका जो जो मतलब नया प्लेटफॉर्म होता है, नया चैनल होता है, उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर पहले से, अब मैं हूँ, मैं पहले से, अगर आप लोग मुझे जानते हो, मैं नया चैनल खोलूँगी तो वो जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को आप जानते ही नहीं होगे, मैं चैनल खोल के बैठ जाऊँगा, आप मुझे क्यों देखोगे, है ना। आप मेरे को आप जानते हो, तो मैं नया चैनल बनाऊँगी, आप वहाँ पर मुझे देख लोगे, जिन्होंने मुझे देखना है, जो मुझे जानते हैं। तो ये चीज़ मैंने करनी चाहिए कि चलो एक बार सपना को सब लोग जान जाए, उसकी लाइफ के बारे में जान जाए, उसके बाद उसका चैनल मैं आप खुद से क्रिएट करके दूँ। तो अब मैंने उसको बोला कि जिस दिन भी तू मिलेगी, तेरा चैनल खुद का बना के दूँगी। वो कहती ठीक है, तो ही हम वीडियो उसकी डालते थे, वरना हमें कोई इतना लालच नहीं है। मैं तो खुद अपना जॉब से कमा लेती हूँ, अपना दिन भर मेहनत करके आती हूँ। तो जो लोग भी मेरे खिलाफ़ वीडियो बना के आज ये बोले हैं ना कि कंचन पैसों के लिए वीडियो बना रही है, व्यूज़ के लिए वीडियो, सब व्यूज़ और पैसों के लिए ही यूट्यूब पर आए हैं, कोई फ्री में टाइम पास करने यूट्यूब पर नहीं आया है। और मैं भी व्यूज़ और पैसों के लिए यूट्यूब पर हूँ तो हूँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लोग तो झूठी न्यूज़ बना बना के, झूठ बोल बोल के पैसा कमा रहे हैं। हम सच बोल के भी नहीं कमाए भाई, ये तो भाई कहीं की नाइंसाफ़ी नहीं है। और हाँ, हर चीज़ बता दूँ, कोई भी अगर दूसरी शादी करता है ना, वो शादी समझौते की होती है, बाद में वो शादी में प्यार आता है। और अगर मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ बोली है कि मेरी शादी समझौते की थी, मैंने पैसों के लिए की थी कि मेरे को चल घर प्रॉपर्टी मिल जाएगी रहने के लिए, हाँ मैंने की थी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा, ठीक है, वरना मैं तो कमा रही थी। अब अगर कमा के अपने ससुराल में पैसा दूंगी, तो बदले में मैं भी तो कुछ लूँ ना, मेरे को भी तो हक है फिर कुछ लेने का। तो यही सोच के की थी, तो भाई की थी, इसमें सच्चाई है। झूठ बोल के कहना कि नहीं नहीं मैंने तो किस लिए की थी, आप बता दो। मैं कोई महापुरुष हूँ, कोई महान हस्ती हूँ, मैं कोई भगवान हूँ मैं, जो बिना मतलब के ही शादी करके बैठ गई? नहीं भाई, मतलब था तभी की थी, साफ सी बात है। और अभी रिश्ते को निभा रही हूँ क्योंकि अब प्यार है, पहले प्यार नहीं था, अब है प्यार है। सिर्फ और उस फैमिली में से मुझे सिर्फ जाप से और गगन से प्यार है, उस फैमिली में जो कहते हैं ना डीपली लव, वो मेरा उन दोनों से है। और मेरे प्रियांश से तो मेरा है ही है, इस परिवार में से तो प्रियांश से मेरे को प्यार है। और उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं प्रियांश से करती हूँ, उसके बाद जाप से और गगन से करती हूँ, ठीक है। तो मैं, मेरे को झूठ बोल के वाह वाह ही नहीं लेनी होती है, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। और हर कोई व्यूज़ और पैसे के लिए यूट्यूब पे है, बस फ़र्क इतना है कि मैं झूठ बोल के व्यूज़ और पैसा नहीं कमाती, मैं सच बोल के कमाती हूँ। और मैं ना आराम से चैन से सोती हूँ, बिना डरे कि मैंने झूठ नहीं बोला। मतलब लोग झूठ बोलते हैं ना, उनको अगले दिन ये सोचना होता है यार आज ये झूठ बोल दिया, कल इस झूठ को आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन मेरे को ये चीज़ें नहीं सोचनी पड़ती, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच बोली होती हूँ। तो वो सच अपने आप ही अगले दिन आगे क्या हुआ होता है, तो वो मैं सच्चाई ही आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, बस यही बोलना चाहती थी कि अगर आप कोई रिएक्शन वीडियो बनाते हो ना, थोड़ा सोच समझ के बनाया करो। कल ही मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि आपने किसी और यूट्यूबर पर वीडियो बना रखे थे जिनसे मेरी नहीं बनती, बट आपने मेरे अगेंस्ट बना के आज मैंने अनसब्सक्राइब किया आपको। तो चलिए, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि मैं अभी काम पे जाने के लिए लेट हो रही हूँ। सो मैं जल्दी से अपने काम पे जाती हूँ वापस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल एंड बाय बाय।